ये देखिए हमारे तिल के लड्डू तैयार हो गए हैं, तो हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने बना भी दिए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी कैसे हो? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आई हूँ, तो आज मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो ये मैंने गुड़ को कढ़ाई में डालकर इसको हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया है, घल गया ये गुड़। और अब इसके बीच में ये डालूंगी गरी बूरा और कुछ मूंगफली भी डालूंगी। और तिल मैंने कुकर में रख दिए हैं और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़े से ब्राउन हो जाए। अब उसके बाद इसमें हम लोग गुड़ डाल देंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और इसके बीच ये भी डाल दूंगी गरी भी जो मैंने कद्दूकस करके रखी है, और मूंगफली भी डाल दूंगी। फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए अभी ये तैयार होने वाले हैं थोड़ी देर से। तो अब मैं इसके बीच मूंगफली भी डाल दूंगी अब, और साथ में ही इसमें मेरा गुड़ भी तैयार हो गया है। अब इसकी चाशनी जैसी बना ली मैंने इसको, और इसके बीच में अब सब ये डाल दिया है मिक्स करके, और इसमें अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर इसको हम लोग मिला लेंगे जो अच्छी तरह से बिल्कुल। फिर देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, और जब ये बिल्कुल सब मिक्स हो जाएगा ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी होते हैं तिल के लड्डू खाने के लिए भी, और ख़राब भी नहीं होते। आप चाहे बहुत दिनों के लिए इनको रख सकते हैं, तो बहुत दिनों के लिए चल पड़ते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और ज़्यादातर ये मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं, और इस महीने में ये पूरा महीना होता है, इसमें हम लोग पूरे महीने में भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और ये देखिए, और अभी मिक्स भी हो ही गया है सब कुछ, इकट्ठा कर दिया मैंने इसके बीच, और ये रूट के बीच मिला दिया है। अब इसको हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी इसके हम लड्डू बना पाएंगे।